गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने दिवाली पर बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाई होगी। आपको पता है हमने क्या खाई? हाँ, थोड़ी कम खाई क्योंकि तबीयत ख़राब थी, लेकिन बहुत ही प्योरिटी, जिस चीज़ को मैं दिल्ली में बहुत मिस करती हूँ ना, वो चीज़ गांव में मिलती है। और पता है क्या है? वो है मेरे पप्पा के हाथ की बर्फी। उन्होंने घर के दूध का खोवा निकाला और फिर उससे ये बर्फियाँ, ये मिठाई बनाई। वो वाकई में इतनी टेस्टी होती है ना, इनमें रश आता है। ऐसा लगता है जैसे इस चीज़ का ना किसी चीज़ के साथ कोई मुकाबला नहीं। मुझे कोई कहे ना कि आपको दुनिया की सबसे महंगी मिठाई खिलाओ ना, तो मैं इसे चुनूंगी, उसे छोड़ दूंगी। इतनी टेस्टी, पता है। और मिलावट नहीं है, आप तो जानते ही हैं, अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इसमें कितनी मिलावट है हर जगह, हर मिठाई में। आप खा नहीं सकते, खा के भी मुझे लगता है आपको ना उससे दिक्कत ही होने वाली है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आजकल ना ये भी बहुत गलत है कि मिठाई तो हम लोग खुशियाँ बांटने के लिए एक दूसरे को देते हैं, और लोग मिलावट करके ना उस चीज़ को एक तरह से जहर बना दिया उन्होंने, राइट? तो जो भी लोग गांव के हैं वो बाहर की चीज़ों की बजाय अपने घर में ही बना ले, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी तो मजबूरी है यार। मैं भी दिल्ली में रहती हूँ तो कहाँ वो कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी हर बार त्यौहार पे पापा जी भिजवा ही देते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि मम्मी पापा भी हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो किस किसने खाई है ये वाली मिठाई इस दिवाली, और किसने पहले खा ली है तो आज वो इस मिठाई को मिस कर रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, बाय।